महाराष्ट्र में शिवसेना चौतरफा घिरी हुई है। कोरोना महामारी, सुशांत की हत्या, कंगना रनौत का ऑफिस गिराने का मामला और उसके बाद मंदिर खोलने को लेकर जारी विवाद उद्धव का पीछा नहीं छोड़ रही है। ऐसे में शिवसेना को एक बार फिर बीजेपी की याद आ रही है। उद्धव ठाकरे मुसीबत में फंसने के बाद उन्हें पीएम दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों मोदी ने देश को संबोधित किया, इसके बाद शिवसेना के मुखपत्र सामना में पीएम की जमकर तारीफ की गई है। पीएम ने अपने संबोधन में कोरोना से बचाव के लिए लोगों को सावधान रहने की अपील की तो शिवसेना ने इसे पितृवत चेतावनी करार दिया है। पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर शिवसेना ने उनकी जमकर सराहना की है। शिवसेना ने लिखा कि जब सूचना मिली कि पीएम राष्ट्र को संबोधित करेंगे तभी से कई लोगों की नींद उड़ गई थी, लेकिन पीएम मोदी ने ना तो किसी को धक्का दिया और ना ही किसी को मक्खन लगाया। उन्होंने नपतुला संयमित संबोधन दिया। उन्होंने लोगों से कोरोना को लेकर बिल्कुल ढिलाई नहीं बरतने की पितृवत चेतावनी दी। इसके अलावा सामना में उन लोगों पर भी टिप्पणी की गई है जो सोशल मीडिया पर पीएम के भाषण को डिसलाइक करते फिर रहे हैं। शिवसेना ने कहा कि मोदी का भाषण प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि एक चिंताग्रस्त अभिभावक का था। उनका भाषण छोटा लेकिन प्रभावशाली था, उसमें डिसलाइक करने जैसी कोई बात नहीं थी। ऐसे में एक बार फिर शिवसेना का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना सांसद संजय राउत की गुपचुप मुलाकात भी हुई थी। वहीं पिछले दिनों मंदिर विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर भी शिवसेना ने खुशी जताई थी। ऐसे में एक बार फिर कयासों का बाजार गर्म हो गया है कि क्या शिवसेना का कांग्रेस और एनसीपी से मोह भंग हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।